Channel is for education purpose, and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions. Please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening, guys. Welcome back to our channel, Finvest. मैकॉ डेली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिन वेस्ट में तो चलिए हम रिव्यू कर लेंगे 13 अप्रैल 2021 के लिए जो हमने आपको लिए कॉल्स दी थी प्लस जो वाट्सअप पे कॉल दी थी और जो टेलीग्राम चैनल पे कॉल दी थी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ और वाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मॉर्निंग में मैं आपको फोर टू सेवन हंड्रेड रेंज में स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ और जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपको मिनिमम टेन पॉइंट्स का गेन मिलता मिलती है मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट आप डेली के इसमें कमा सकते हैं अब अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं मिनिमम थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट आपका डेली है शुरू करते हैं हमारे जो हमने आपको यूट्यूब पे कॉल दिया था सिम्फोनी मैंने आपको दिया था यूट्यूब पे इसको देखिए सबसे पहले तो ये स्टॉक जो था गैप ऑफ ओपन हुआ था गैप ऑफ ओपन होने के बाद इसने अपना हमारा गैप रिफिल किया यहाँ पे हमें हमेशा बाय करके चलना था एलेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर यानी कि इस लेवल पे हमें हमेशा बाय करके चलना था अब ये यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे तो आप इसे ऑब्वियसली बाय नहीं करेंगे जब इसका गैप रिफिल हो गया यहाँ पे उसके बाद दोबारा जब ये ऊपर उठा तब तो आपने यहाँ पे इसे बाय किया होगा और इसने आपके जो थे इसने अपना हाई बनाया है ट्वेल्व का आप चेक कर सकते हैं और इसने आपका जो था दो टारगेट प्राइजेज दिले अचीव कर लें अब मैं बात करूँ विलांटी ऑर्गेनिक्स का विलांटी ऑर्गेनिक्स में हमें इसे बाय करके चलना था लगभग लगभग थर्टीन हंड्रेड नाइन सिक्स पे यानी कि यहाँ पे इसका पहले बार में ही लेवल ब्रेकआउट हो गया था खुशी की बात ये थी कि इसने अपना जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था हवल का सब एंड डाउन तो करता ही है हर स्टॉक पहले का मिनट आपने छोड़ा होगा उसके बाद जो है दूसरे मिनट में इसने लेवल ब्रेकआउट कर दिया था उसके बाद देखिए इसने अपना हाई बनाया फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी का थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स से फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी आप लगा सकते हैं फोर्टी फाइव पॉइंट्स का गेन इसमें आपको देखने को ईजिली मिल गया था हंड्रेड नाइन्टी सिक्स की यहाँ पर भी लगी थी एक्जैक्ट थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स पर अगर आपने बाय किया होगा तो यहाँ पर भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को आपको मिल गया था दोबारा से यहाँ पर लगी दोबारा से यहां पे। यानि कि जितनी बाय कर, 80 कर मैंने आपको दिया टेलीग्राम चैनल का ये जो था गैप हो गया था। अब हमारी गैप ऑफ ओपन होने के बाद कंडीशन तक उसका गैप रिफिल हो जाना चाहिए गैप रिफिल हो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा देखिए ना तो इसने बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड लिया इसे हमें बाय करके चलना था इलेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ हमें इसे बाय करके चलना था लगभग लगभग इस लाइन पे तो इसने अपना गैप रिफिल ग्यारह के अंदर अंदर तो नहीं किया इसने अपना गैप रिफिल किया एक बजे के टाइम पे और जो कि हम नहीं मानते हम इस तो स्टॉक को छोड़ देते हैं आखिरी स्टॉक था हमारा जे बी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इस, इस, इस स्टॉक में भी अच्छा खासा रिजल्ट आपको तो देखने को मिला अगर आपने हमारा रूल फॉलो किया होगा कि अपना जो स्टॉप लेस ट्रायल करने वाला इसमें आपको देखिए यहाँ पे एवरेज फर्स्ट टारगेट प्राइस पे तो इसने बहुत ज़्यादा ही होल्ड लिया है बट जो है इसने हमारा जो था सेकंड टारगेट प्राइस था वो था 1250 का ये वहाँ से क्रॉस करके 1256 तक गया अगर आपने सेकंड टारगेट प्राइस पे जो है हमारा जो स्टॉप लॉस था उसे शिफ्ट किया होगा तो आपको इसमें सेकंड टारगेट प्राइस भी अचीव होकर मिली अडानी पोर्ट्स देखिए सबसे पहला स्टॉक था ये हमारा फोर टू सेवन के रेंज में जो हमने स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे इसे हमें शॉर्ट कहना था सेवन हंड्रेड फोर्ट पे इसने अपना लो बनाया है सेवन ट्वेल्व का हमारा ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी का हमारा जो था आखिरी टारगेट प्राइस था लेकिन इसने ट्वेल्व का बनाया है ट्वेंटी एट पॉइंट्स आपको यहाँ पे गेन में मिला है, है सीधा ये गिरा है आप फाइव मिनट का टाइम सीधा गिरा है तो इसमें आपको बाहर आने का टाइम नहीं मिला होगा ट्वेंटी पे तो ये थोड़ा नीचे और जाके आपने इसमें ट्रेड से बाहर आए होंगे अगेन यहाँ पर हमारी शॉर्ट सेलिंग की कॉल लगी ये अगेन इतना ही गया लगभग लगभग लग ये तो सेवन हंड्रेड के लगभग लगभग लग लग चले गया था तो इसमें आपको फोर्टी पॉइंट्स का गेन मिल गया था तो लगा सकते ट्वेंटी और फोर्टी सिक्सटी पॉइंट्स इसमें आपको गेन मिल गया था शॉर्ट सेलिंग की साइड अच्छा खासा आपने इसमें प्रॉफिट कमा लिया होगा अगला स्टॉक था हमारा कैडिलैक अगला स्टॉक था हमारा कैडिलैक इसमें हमारे एक सब्सक्राइबर को लॉस हुआ क्योंकि उन्होंने इस स्टॉक में बाय किया था हालांकि इसमें बाय की कोई भी किसी भी एंगल से कॉल नहीं थी बट उन्होंने बाय किया मैं उनके लिए एक्जैक्टली exactly ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जब आप गैप रिफिल हो रहा होगा तो बाइंग प्राइस से नीचे मैंने कहा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड और बाइंग प्राइस पर अगर आपको बाय करना है बाइंग प्राइस पर अगर स्टॉक होल्ड ले रहा है तो दो मिनट का मिनिमम आपको होल्ड इए यहां पे किसी भी एंगल से दो मिनट का होल्ड नहीं था 508 पे एट पर हमें से बाय करना था तो यहाँ पे किसी भी एंगल से ऊपर से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ने के लिए मैं इसीलिए कहता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी कि पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ने के लिए क्यों कहता हूँ जब डाउन ट्रेंड में होता है इस स्टॉक पे अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आया हल्का सा और दोबारा ऊपर बढ़िया तो आप क्या करते हैं इसी में बाय कर लेते हैं नहीं वो एक मिनट का होल्ड वाले जो मैं आपको बताता हूँ वो यहीं पर काम करता है कि बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड और अगर बाइंग प्राइस पर ही होल्ड ले रहा है तो दो मिनट का कम से कम यहाँ पे अप एंड डाउन करेगा लेकिन इसी पॉइंट पर अप एंड डाउन करेगा दो मिनट तक तब आप इसे बाय करेंगे ये चीज़ क्लियर होगी बाकी इसमें भी हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हमें इसे सेल करके चलना था 499 पे लग बग लग बग इस लेवल पे मान लीजिए से था।, था।, था अच्छा खासा प्रॉफिट को मिल गया था अगला स्टॉक था हमारा यूपीएल यूपीएल की मैं बात करूं यूपीएल हमें बाय करके चलना था लगभग एक्जेक्ट इन नाइनटी सिक्स पर फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स पर हमें बाय करना था आपको दिखा देता हूँ मार्क करके बाय करके चलना था 616 का इसने अपना हाई बनाया 596 से 616 का यानी कि आप लगा सकते हैं अच्छा खासा इसमें भी हमें 20 पॉइंट्स का गेन मिला है दोबारा से कॉल एक्टिवेट हुई यहाँ पे और दोबारा से इसने अपने दो टारगेट प्राइस तो इजीली अचीव कर ही लिए थे तीसरा टारगेट प्राइज ने अचीव कर पाया था तो इसमें भी आपको ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स तक का अच्छा खासा गेन मिल गया था एम एन एम की मैं बात करूँ इसमें तो आपको फिफ्टी प्लस गेन मिल गया था यानी कि सिक्सटी पॉइंट्स का इसमें लगभग लगभग आपको गेन मिल गया था हम इसे हमें बायर करके चलने पर हमेशा बाय करके चलना था और इसने अपना हाई बनाया है एट हंड्रेड फिफ्टीन का एट सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव पर हमेशा बाय करना था एट हंड्रेड फिफ्टीन का इसने हाई बनाया तो लगा सकते हैं आप सिक्सटी पॉइंट का गेन कहीं नहीं है आपका अच्छा खासा गेन था और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल गया होगा तो ये थे फोर हंड्रेड टू सेवन के रेंज में जो स्टॉक्स में मॉर्निंग में व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूं उनके रिजल्ट्स तो इससे पहले मैं बात करूँ फिफ्टीन अप्रैल टू के लिए जो लेवल्स मैंने सेलेक्ट किया है मैं आपको बता दूँ जो मैंने आपको रिजल्ट बताया उनके बेसिस पे अब अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मॉर्निंग में मैं ये कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आपने जैसा रिजल्ट देख लिया मिनिमम टेन पॉइंट्स का गेन तो हर स्टॉक से आपको मिलता ही है मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट आपको मिल जाते हैं जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होते हैं उतनी बार आप बाय करते हैं और स्टॉक जो है फोर हंड्रेड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में रहता है मिनिमम थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट आपको हो ही जाता है बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही होता है रेगुलरली टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड आपको जैसा डिपेंड करता है और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में दो स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ फिफ्टीन अप्रैल के लिए सबसे पहला स्टॉक है हमारा राउट जिसे आप बाय करके चलेंगे अब रूल ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा बाय करके चलेंगे फिफ्टीन पे जब लेवल ब्रेकआउट जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी का टारगेट रहेगा फिफ्टी हंड्रेड और फिफ्टीन का स्टॉप रहे का रहेगा आपका फिफ्टी का यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड पे आप अपना स्टॉप स्टॉपलस लगाएंगे एक्जेक्ट इस लेवल पर स्टॉपलस नहीं लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी थ्री का तो आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे फिफ्टी हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव जीरो यानी कि शॉर्ट सेलिंग का भी लेवल ब्रेकआउट होगा टारगेट रहेगा फिफ्टी हंड्रेड 15... ट्वेंटी सेवन फिफ्टीन हंड्रेड एटीन और फिफ्टीन हंड्रेड एट का ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस रहेगा आपका फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टी एट का तो फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो पे स्टॉपलस लगा इस वैल्यू पे स्टॉपलस नहीं लगाएंगे कभी कभार क्या होता है स्टॉक इस, इस वैल्यू पे होल्ड लेके ऊपर बढ़ जाता है या फिर नीचे आ जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप हिट मान के ट्रेड से बाहर आ जाता है अपने टारगेट अचीव कर लेता है स्टॉक तो आप ऐसा नहीं करेंगे जब लेवल ब्रेकआउट्स होंगे हर जगह के बाई शॉर्ट सेलिंग स्टॉप लॉस के भी लेवल्स हैं ये लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं ये आपको स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आना है दूसरी चीज पहला टारगेट प्राइस अचीव होते ही आपको अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करना फर्स है फर्स्ट टारगेट प्राइस प्लस स्टॉक है हमारा हेवल्स हेवल्स आप बाय करके चलेंगे थाउजेंड एंड थर्टी टू का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड थर्टी सेवन थाउजेंड एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड फिफ्टी फाइव का स्टॉपलस रह का थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन का ये भी लेवल रहेगा थाउजेंड एंड ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे एक और चीज मैं आपको बता दूं स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करेंगे एम तक उसके गैप रिफिल होने का 800 से बड़े स्टॉक में इलेवन एम तक 800 से छोटे स्टॉक में टेन थर्टी तक आप उसका वेट करेंगे गैप रिफिल होने का गैप रिफिल होगा कैसे बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे भी एक मिनट का होल्ड और अगर बाइंग प्राइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस पर एक्टली अगर वो होल्ड ले रहा है तो दो मिनट का मिनिमम होल्ड चाहिए एक और चीज़ अगर स्टॉक गैप अप ओपन डाउन ट्रेंड में है तो पहला लेवल वर्कआउट छोड़ेंगे आप बाई साइड का स्टॉक अगर गैप डाउन ओपन हुआ है और आप ट्रेंड में है तो आप पहले लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे शॉर्ट सेलिंग साइड का ये इज क्लियर रखिएगा जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होता है उतनी बार आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा इसका थाउजेंड एंड ट्वेंटी का यानी कि थाउजेंड एंड नाइनटी पॉइंट फाइव जीरो का कंफ्यूज मत होइएगा जो रूल मैंने वहां बताया वो हर स्टॉक्स में जो भी मेरे लेवल्स हैं जो मेरे लेवल्स हैं उनमें अप्लाई होंगे टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड एंड फाइव और नाइन नाइन फाइव का शॉर्ट सेलिंग का स्टॉपस रहेगा आपका थाउजेंड एंड थर्टी वन का ये लेवल है थाउजेंड एंड थर्टी पॉइंट फाइव जीरो पे आप लगा सकते हैं थाउजेंड एंड थर्टी वन पॉइंट फाइव थाउजेंड एंड थर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ